हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइंग सर पे। आज हम रामनवमी के शुभ अवसर पे एक पेंटिंग बनाने वाले हैं जो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले हमें ध्यान ये देनी है कि हमें किस मीडिया पे हम अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो है वाटर कलर मीडिया हैंडमेड पेपर के ऊपर यूज करने वाले हैं। तो वाटर कलर क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जाननी जरूरी है। वाटर कलर जो होती है वो लाइट से शुरू होती है और डार्क की तरफ चलती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखनी है कि हमें पहले लाइट से डार्क की तरफ वर्क करनी है। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि हमारी कलर में पानी की जो मात्रा है वो सही होनी चाहिए, और पेपर पे जो हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर भी पानी की मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए। वाटर कलर क्या होती है कि जब हम हमारे पेपर पे जो पानी पहले से हम लगा चुके हैं, फिर हम जब उसके ऊपर अपना जो कलर्स लगाते हैं तो वो कलर जो होती है वो स्प्रेड होती है, यानी कि फैल जाती है। तो हमें उसकी लिमिटेशन इतनी रखनी है ताकि जो है वो ज़्यादा जो है स्प्रेड भी ना हो। हमें जिस एरिया पे जो कलर्स चाहिए उसी एरिया पे वो कलर जो है स्प्रेड होके वो मिक्स हो जाए। तो हम पेंटिंग के ऊपर हर एरिया में पहले लाइट कलर को हमें क्या करनी है, फ्लो करनी है, ठीक है। पहली फ्लो जब हो जाएगी हमारी, फिर उसे हम सूखने देंगे। जब हमारा पहला लेयर सूख जाने के बाद फिर हम जो है अपना सेकेंड लेयर यूज करेंगे एरिया वाइज। तो आज हम लोग वाटर कलर के बारे में सीखे कि वाटर कलर किस तरह से हमें यूज करनी है। तो अभी आप इस पेंटिंग पे फोकस कीजिए और वाटर कलर का जो प्रोसेस है उसे ध्यान से आप देखिए। अगर आपको वाटर कलर से रिलेटेड और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट्स कीजिए, ताकि हम जो है आपके लिए नेक्स्ट पेंटिंग जो बनाएंगे उसमें आपको पूरी जानकारी पूरी प्रोसेस के थ्रू हम आपको सिखा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी एक लाइक हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, पेंटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए, ताकि हम उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल्स पे बने रहें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। थैंक यू।